बच गए यार। ओ भाई यार, ये कहाँ से आ गया? और यार इस गाड़ी ने तो हमारी रोडेस्ट कार को ही पलट दिया है, लेकिन कोई नहीं, सीधी हो जाएगी। हो गई। ओ भाई ये क्या, अचानक से जंप करके वापस से गाड़ी पलट गई हमारी, लेकिन कोई बात नहीं, हम सीधी कर लेंगे। इस गेम के अंदर यार गाड़ी पलटती है तो सीधी भी फटाक से हो ही जाती है दोस्तों। यहाँ पे ओ भाई ये देखा, अभी माइंस के ऊपर उसने बाइक चढ़ा दी थी, उसकी ब्लास्ट हो गई। इधर भी हमने माइन छोड़ दी यार। दोस्तों आज ना हम पूरी सिटी के अंदर अपनी रोडेस्ट कार से माइंस बिछाते हुए जा रहे हैं, और जहाँ से भी कोई गाड़ी गुजरती है ना उस माइंस के ऊपर से, तो भाई वो ब्लास्ट हो जाती है यार। दोस्तों आज इसी वजह से हमारे पीछे पुलिस के 4-स्टार क्रिमिनल चार्ज। ओ भाई क्या एक्सीडेंट हुआ है, मुझे नहीं लगता भाई ये बंदा जिंदा बचा होगा, क्योंकि यार भाई यार पुलिस की गाड़ी ने आके वो ठोक दिया, अब तो वो डेफिनेटली मर गया। तो चलो यार दोस्तों अभी हम इस पुलिस को मजा चखाते हैं, क्योंकि यार ये पुलिस वाले ना काफी देर से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अब इनको हम बताते हैं कि रोडेस्ट कार का पावर क्या होता है। तो यहाँ पे हमने माइंस बिछाना स्टार्ट कर दिया है, और पुलिस की गाड़ी ये लो एक तो ब्लास्ट भी हो गई यार। दोस्तों ये माइंस का पावर ना खतरनाक है यार। इस रोडेस्ट कार से हम माइंस बिछा कर ना पुलिस को जितना चाहे उतना परेशान कर सकते हैं। अभी ये देखना, ये पूरे फील्ड के अंदर, ये देखो पूरे फील्ड के अंदर ना हम भाई माइंस बिछा देंगे, और जैसे पुलिस की गाड़ी उनके ऊपर से गुजरेगी, ये देखो भाई ब्लास्ट होती जा रही है एक के बाद एक पुलिस की गाड़ियाँ। और यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी ना सबकी सब ब्लास्ट ही होंगी, क्योंकि ओ भाई हम खुद ही अपनी गाड़ी को माइंस के ऊपर चढ़ा दिए, और हमारी खुद की कार भी ब्लास्ट हो सकती है। लेकिन कोई नहीं, हमारे पास में रिपेयरिंग टूल है, तो जब तक रिपेयरिंग टूल है हम तो मरने वाले नहीं, लेकिन पुलिस की एक भी गाड़ी हम यहाँ सही सलामत जाने नहीं देने वाले। ओ भाई ये क्या, इन्होंने तो हमें घेर लिया, लेकिन नहीं हम निकल गए यार दोस्तों। ओहो सामने से और गाड़ी लाके ठोक रहा था, लेकिन दोस्तों अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे पुलिस वाले तो आरपीजी चलाने लग गए। भाई यार ये आरपीजी ले लिया है हाथ में, लेकिन कोई नहीं, खुद की आरपीजी से खुद ही मर चुके हैं, अब कोई पुलिस वाला नहीं है। अभी यहाँ पर सारी गाड़ियाँ जितनी भी आई थी सारी ब्लास्ट कर दी, एक और कहाँ से आ गई। चलो कोई नहीं यार दोस्तों, इन गाड़ियों को तो हम ब्लास्ट कर देंगे भाई माइंस बिछा बिछा के, लेकिन हेलीकॉप्टर का क्या करें यार। हेलीकॉप्टर तो कब से हमें कंटिन्यू शूट करे जा रहा है भाई, हमारी सबसे ज्यादा हेल्थ तो ये हेलीकॉप्टर ही खा रहा है। और अब तो हमारे ऊपर भाई पूरे के पूरे 5-स्टार क्रिमिनल चार्ज ऐड हो चुके हैं, मतलब अब हम भाई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुके हैं। और यहाँ पे अब भाई साहब बड़े बड़े व्हीकल आने वाले हैं, जैसे टैंक आएगा, और भाई ये देखो रोबोट तो आ भी गया और टैंक भी आ गया। भाई दोस्तों अब तो यहाँ से निकलना होगा हमें, वरना भाई ये टैंक वाला उड़ा ही देगा। चलो ये रोबोट कार जो आई है इसे तो ब्लास्ट कर देते हैं। यहाँ पे सब तरफ हमने माइंस बिछा दिए हैं, बाकी की सारी गाड़ियाँ ब्लास्ट हो रही है, रोबोट कार भी ब्लास्ट हो ही जाएगी मुझे लगता है। हो गई भाई, धमाका आया था। ये देखो भाई रोबोट कार भी ब्लास्ट हो चुकी है, कहीं नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर बाकी की नॉर्मल कार है, रोबोट कार नहीं है, मतलब वो ब्लास्ट हो गई, वरना आई तो यही थी। यहाँ पे हमने काफी सारी माइंस बिछा रखे हैं, एक के बाद में एक गाड़ी ब्लास्ट होती जा रही है, जैसे आ रही है भाई ब्लास्ट हो रही है सारी पुलिस की गाड़ियाँ। ओ भाई अब तो टैंक आ गया यहाँ से, तो चलो जल्दी से यहाँ से कट लेते हैं भाई। Yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं लेकर आया बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो दोस्तों अभी हम दौड़ते हुए जल्दी से जाने वाले हैं टिप्सन दादा के पास में, क्योंकि यार उन्होंने हमें अर्जेंटली बुलाया है, आज वो रेस करवाने वाले हैं हमारी न्यू रोप हीरो के साथ में। तो जल्दी से हम चलते हैं टिप्सन दादा के पास में। ये देखो सामने रहा टिप्सन दादा का घर, और ये ओ भाई यार ये क्या हो गया, टिप्सन दादा तो मर गए दोस्तों। यार दोस्तों मैं क्या करूँ यार, जब से मैंने वो ट्रिक यूज किया ना ब्रूसली वाली, भाई उसके बाद में मेरे अंदर इतना पावर आ गया है, जहां भी जंप करता हूं ना भाई तबाही मच जाती है। देखते हैं अब तक तो टिप्सन दादा वापस से जिंदा हो गएंगे। ओ भाई अभी भी जिंदा नहीं हुए यार, सच में तो नहीं मर गए। तो चलो कहीं दूर चल के इंतजार करते हैं टिप्सन दादा के वापस जिंदा होने का। जब तक वो वापस जिंदा होते हैं मैं आपको आज की नई अपडेट के बारे में बताता हूं। दोस्तों रोप हीरो वॉइस टाउन की न्यू अपडेट 6.3.2 आ चुकी है। एक सेकंड अभी दिखाता हूं यार, ये एड हटाओ। ये देखो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो 6.3.2 न्यू अपडेट आ चुकी है भाई रोप हीरो वॉइस टाउन गेम की। तो दोस्तों इस वर्जन में क्या कुछ नया है वो चेक कर लेते हैं, जब तक टिप्सन दादा भी जिंदा हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखो यार कुछ भी नया नजर नहीं आ रहा है अभी तक तो, गन्स के अंदर भी कुछ नया नहीं है, और यहाँ पे भाई यूनिक में भी कुछ नया नहीं है, बॉडी के अंदर भी कुछ नया नहीं है, व्हीकल्स भी सारे पुराने हैं, और ये देखो कैरेक्टर्स भी सारे पुराने हैं। यार दोस्तों ये हो क्या रहा है यार, नया वर्जन आता है गेम का लेकिन उसके अंदर अपडेट कुछ भी नहीं आती, सब कुछ पहले जैसा ही रहता है। तो चलो अभी हम वापस आ गए हैं टिप्सन दादा के पास में। हेलो टिप्सन दादा। यार रो पीरो तुझे कितनी बार मना किया, मेरे पास में आकर इतनी जोर से जंप मत किया कर, मैं मर जाता हूँ बिना बात। यार टिप्सन दादा मैंने कोई जोर लगा के जंप नहीं किया यार, मैं तो नॉर्मली जंप कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ जब से वो ब्रूस ली वाली ट्रिक यूज की है ना मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर आ गई है, नॉर्मल सा जंप करता हूँ तो भी भाई भयंकर वाली तबाही मच जाती है। तो भाई मेरे घर
के पास में आके तो बिल्कुल भी जंप मत किया कर, ना नॉर्मल किया कर, ना जोर लगा कर क्या कर। तू तो भाई एक काम कर, पैदल आ जाया कर या फिर कोई कार लेके आया कर, मेरे पास जंप करके मत आया कर। हाँ तो ठीक है ना यार टिप्स दादा, अब आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अब तू मुझे ये बताओ कि हमारा न्यूरो हीरो कहाँ है? आपने तो मुझे रेस करने के लिए बुला लिया लेकिन उसे तो बुलाया नहीं। अरे वो किसी काम से बाहर गया हुआ है, उसकी टेंशन तो मत लो, उसे मैंने टाइम बताया हुआ है रेस का और वो रेस के टाइम पर पक्का पहुंच जाएगा। पहले तुम चलो जल्दी से चल के रेसिंग ट्रैक पे हमारे दोस्तों को रेसिंग ट्रैक दिखाओ और फिर जल्दी से रेस की तैयारियां करो, तब तक मैं भी पहुंच जाऊंगा वहां पर हमारे न्यूरो हीरो को अपने साथ लेकर। अरे लेकिन रेस कौन से व्हीकल्स की करवानी है वो तो बताओ। अरे व्हीकल तो मैंने तुम्हारे लिए कब का मंगवा दिया, वो देखो सामने रोड पे खड़ी है चमचमाती बाइक, जल्दी से लो और जाओ। देखे तो कौन सी बाइक है? ओ भाई ये तो ग्रीन KTM बाइक है यार दोस्तों, ये तो मेरी फेवरेट बाइक है। अरे यार इसकी रेस है तो फिर तो मैं ही जीतूंगा दोस्तों, मैं नहीं जीतने दूंगा न्यूरो हीरो को, क्योंकि भाई KTM बाइक मैं बड़े मस्त तरीके से चलाता हूँ और काफी फास्ट उड़ाता हूँ भाई मैं इसको। देखना यार दोस्तों ये वाली रेस तो आज हम पक्का जीत जाएंगे, पिछली बार न्यूरो हीरो से हम भाई मॉन्स्टर ट्रक की रेस में हार गए थे, लेकिन भाई ये ग्रीन KTM बाइक तो मेरी फेवरेट है भाई, इसमें तो कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। तो चलो जल्दी से चलते रेसिंग ट्रैक पे। ओ भाई जंपर ट्रक, और ये देखो दोस्तों मैंने कहा था ना मैं इसको उड़ाता हूँ भाई, लेकिन इसने तो मुझे उड़ा दिया। चलो कोई बात नहीं यार, होता रहता है, बाइक से स्टंट करेंगे तो भाई गिरेंगे तो सही ना। तो यार दोस्तों अभी हम यहाँ से अपनी बाइक को लेते हैं और भाई इसमें ठोकना नहीं है भाई, सीधा चलना है। दोस्तों हम आ चुके हैं रेसिंग ट्रैक के एंडिंग पॉइंट पे। जी हाँ दोस्तों ये देखो यही है हमारे रेसिंग ट्रैक का एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यार, ये जो एंडिंग पॉइंट है ना यहाँ पर आके हमारी रेस खत्म हो जाती है। ये जो सामने ट्रैफिक लाइट है ये है एंडिंग पॉइंट इस रेसिंग ट्रैक का, जो भी व्हीकल सबसे पहले इस ट्रैफिक लाइट को क्रॉस करेगा वही बनेगा विनर। तो चलो अभी लेके चलते हैं आपको इस रेसिंग ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब जहाँ से हमारी रेस स्टार्ट होती है। तो दोस्तों जहाँ पर अभी हमारी बाइक दौड़ रही है ना, बस यही है रेसिंग ट्रैक हमारा, इसी पर हमारी आज की ये रेस होने वाली है और लगभग सारी रेस हमारी यहीं पे होती है। तो दोस्तों अभी देखो यार बाइक की स्पीड देखो यार, मतलब हम हारेंगे लगता ही नहीं है भाई हम हारेंगे। तो ये लो दोस्तों हम आ चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारी इस रेसिंग ट्रैक के, यहाँ पे भी एक ट्रैफिक लाइट है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये देखो हम ना अपनी रेस यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं आज की, और एंडिंग पॉइंट जो आपको अभी दिखाया था वहाँ पे जाके हमारी रेस खत्म हो जाएगी। तो टिप्सन दादा भी यहाँ पे आ चुके हैं, ये देखो दोस्तों यहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट है, अरे यार एड कहाँ से आ गया, ये जो ट्रैफिक लाइट है ये स्टार्टिंग पॉइंट इस रेसिंग ट्रैक का, यहाँ से हमारी रेस स्टार्ट होगी और भाई फिनिश होगी हमारे एंडिंग पॉइंट पे, और एंडिंग पॉइंट पे कोई ना कोई विनर बन जाएगा, या तो मैं या फिर न्यूरो हीरो। लेकिन ये क्या टिप्सन दादा अकेले आए हैं भाई, न्यूरो हीरो नहीं आया, चलो इनसे चल के बात करते हैं। अरे यार टिप्सन दादा, ओ भाई ये टकला देखो कैसे स्टंट मार रहा है। तो यार दोस्तों हम ना टिप्सन दादा के अंदर बाइक क्यों नहीं ठोक पा रहे? अरे भाई टिप्सन दादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा बाइक से, लेकिन टकला तो गिर गया था अभी बाइक को देखते ही। चलो यार टिप्सन दादा तो हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, इनसे बात करते। हेलो टिप्सन दादा, अरे न्यूरो हीरो कहाँ रह गया? पता नहीं यार छोटे, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। मैंने उसे रेस का टाइम भी बता दिया था और अब तो रेस का टाइम भी हो चुका है लेकिन वो अभी तक नहीं आया। चलो उसको कॉल लगा के देखता हूँ। यो दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त टिप्सन आ गया हूँ आज की इस रेस को होस्ट करने के लिए। आज की हमारी रेस बड़ी स्पेशल है क्योंकि दोनों व्हीकल सेम है और दोनों है KTM, ग्रीन KTM बाइक, और दोनों व्हीकल्स पे जो प्लेयर हैं वो है अलग अलग, न्यूरो हीरो और ओल्ड रॉ हीरो। देखते हैं न्यूरो हीरो और ओल्ड रॉ हीरो इन दोनों में से आज की रेस को कौन जीतता है। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। और ये लो दोस्तों ये रेस स्टार्ट हो चुकी है, और स्टार्टिंग में ही भाई दोनों के दोनों व्हीकल बराबर है, लेकिन ये क्या भाई धीरे धीरे न्यूरो हीरो काफी ज्यादा आगे निकल चुका है ओल्ड रॉ हीरो से, और ये लो दोस्तों न्यूरो हीरो काफी ज्यादा आगे निकल चुका है और एंडिंग पॉइंट के काफी क्लोज पहुंच चुका है, और ये लो विनर बन गया न्यूरो हीरो और ओल्ड रॉ हीरो अब जाके पहुंचा है। भाई ये रेस तो न्यूरो हीरो ने जीत ली है। जी हाँ दोस्तों, चलिए एक बार वापस से स्लो मोशन में देखते हैं। तो ये देखो दोस्तों स्लो मोशन में हम देख सकते हैं न्यूरो हीरो ने पहले क्रॉस किया एंडिंग पॉइंट को और उसके बाद में ओल्ड रॉ हीरो पहुंचा एंडिंग पॉइंट पे। मतलब यार इस रेस के अंदर तो न्यूरो हीरो विनर बन चुका है और ओल्ड रॉ हीरो ये रेस हार चुका है। यार दोस्तों ओल्ड रॉ हीरो यार पता नहीं कैसे हार रहा है, लेकिन यार सच में न्यूरो हीरो काफी ज्यादा फास्ट बाइक चलाता है, तभी तो इसने भाई ओल्ड रॉ हीरो को रेस में हरा दिया। पहले यार इसने इसको मॉन्स्टर ट्रक की रेस में भी हरा दिया था ओल्ड रॉ हीरो को, और अब KTM बाइक की रेस में भी हरा दिया। तो बस यार दोस्तों आज के गेम प्ले वीडियो में इतना ही, कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।